बहुत अच्छा। आई थिंक एक सब्जेक्ट आपने रखा है कि कैसे कारण दिखाए। इन दोनों कंपनी का मैं कारोबार एक सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ। टाटा टेक्नोलॉजी का जो कारोबार है वो दो क्षेत्र के अंदर अपनी इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज विद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं दोनों वर्टिकल के अंदर। वो दोनों वर्टिकल आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल यानी मोबिलिटी वर्टिकल के साथ में जुड़े हुए हैं। एक है ऑटोमोबाइल वर्टिकल, दूसरा है एविएशन वर्टिकल। आउट ऑफ 100 रुपी वर्थ ऑफ रेवेन्यू, 83% ऑफ द रेवेन्यू लगभग ऑटोमोबाइल वर्टिकल में से अर्न करते हैं और बैलेंस 16-17% दे अर्न फ्रॉम दी एविएशन वर्टिकल। यहाँ पे ये कंपनी जो कारोबार करती है उसके अंदर दे प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन टू दी कस्टमर। सपोज आप BMW, जिसके साथ में टाटा टेक्नोलॉजी ने एक जॉइंट वेंचर किया है, तो BMW की कार के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुलाइजिंग द कार टू डिजाइनिंग द कार टू डिजाइनिंग द प्लेटफॉर्म टू डिजाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू आई थिंक सेलिंग प्रोसेस एंड हाउ टू सेल दिस कार इन टू द शोरूम, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, ये सब पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, फौरी के पूरी प्रक्रिया दे डू एंड टू एंड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन प्लानिंग। नाउ दिस गिव्स देम एन एडवांटेज बिकॉज आप कोई भी OEM के साथ में जुड़ जाते हो तो पार्टनर के माध्यम से जुड़ जाते हो। जैसे BMW के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया इंडिया के अंदर तो पार्टनर के माध्यम से जुड़ गए। अगर ये इंडिया के अंदर जॉइंट वेंचर किया है तो उसका मीनिंग ये भी होता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो BMW का जो सेल होएगा उसके अंदर भी आई थिंक दिस कंपनी विल बी प्लेइंग देयर मेजर रोल अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग रोल इन इंडिया। सो आई थिंक दिस इज वन कंपनी विच लुक्स आई थिंक ब्रिलियंट, क्योंकि जैसे हम समझ रहे हैं कि नए जनरेशन की व्हीकल्स जो भी आ रही है, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर IC इंजन के प्लेटफॉर्म के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई गई है, बट 2025 के बाद जो नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी वो सब व्हीकल के अंदर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसके ऊपर आएगी। जैसे MG की नई कार जो मार्केट में अभी लॉन्च की है, दिस इज बेसिकली वर्किंग ऑन द सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रपोजिशन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फॉर कंपनी लाइक टाटा टेक्नोलॉजी दिस इज अ गुड बिगिनिंग। सिमिलरली दे आर ऑल्सो हैविंग अ प्रेजेंस इन एविएशन सेक्टर एंड आई थिंक अगेन देयर ऑल्सो द डिटेल प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड विद डिफरेंट कस्टमर्स विद द एविएशन सेक्टर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी को आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 3 से 10 साल का प्लानिंग करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो नए ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं उनको एक्सिक्यूट करने के लिए भी उनको इतना समय लगता है एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली दिस कंपनी इज गोइंग टू मेक मोर मनी गोइंग फॉरवर्ड। जी देवेन जी, इधर बाजार में टाटा ग्रुप के शेयरों को लेकर के एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन चालू हो गई है, और वो ये है कि मतलब ग्रुप की ही दो कंपनियां एक ही बिजनेस में कंपीट करती हुई कहीं कहीं पे दिख रही हैं। उसमें खास तौर पे ट्रेंट और टाइटन का नाम लिया जाता है। क्या टाटा टेक और TCS के बीच भी कुछ ऐसी तरह की चीज होती हुई दिख सकती है या दिख रही है? आई थिंक अलग वर्टिकल है, अलग हिसाब से काम हो रहा है। टाटा एलेक्सी के अंदर भी ऑटोमोबाइल वर्टिकल है, टाटा टेक्नोलॉजी में भी अलग ऑटोमोबाइल वर्टिकल है। टाटा टेक्नोलॉजी के कस्टमर अलग है, टाटा एलेक्सी के कस्टमर्स अलग है। टाटा टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ओनली, फॉर एग्जांपल दे आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन ओनली इन द एरिया ऑफ से ऑटोनोमस व्हीकल टाटा एलेक्सी। टाटा टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइडिंग ऑटोनोमस अलॉन्ग विद अदर एरियाज। सो आई थिंक द वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट, दैट मच आई थिंक वी अंडरस्टैंड। प्लस ये इंडिपेंडेंस देना जरूरी बनता है बिकॉज हर कंपनी के अंदर जरूरी नहीं है कि आप उसके बिजनेस को मर्ज कर दो एंड यू ट्राई टू आई थिंक क्रिएट द सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आई थिंक यू रिक्वायर टू हैव द मल्टीपल प्रेजेंस इन डिफरेंट सेगमेंट्स। दैट इज वॉट ये ग्रुप कर रहा है, तो अच्छी बात है। मैं ऐसा समझता हूँ उसके अंदर, मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई कैनिबलाइजेशन या इसके अंदर कोई अनड्यू कॉम्पिटिशन हो रही है, वो नहीं मानता हूँ इसके।